तो बच्चों अब हमें पढ़ना है विसर्ग संधि का नियम नंबर 5। ये परिभाषा क्या कहती है अब समझिए विस्तार से। जहां पर भी विसर्ग के पहले क्या हो आ हो, उसके बाद विसर्ग के बाद तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, हमने जो पढ़ा था ना कुचु टू का जो कौन सा तीसरा और चौथा वर्ण जितने भी आते हैं वो सब अपन ने याद किए हैं, जैसे ग और घ, ज और झ, ड और ढ, द और ध, ब और भ। तो विसर्ग के पहले आ हो, उसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर प या म हो पीछे, या फिर य वर ल ह में से कोई सा भी वर्ण पीछे हो, तो उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है याद रख लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है कि विसर्ग के पहले तो प हो और विसर्ग के बाद क्या हो, या तो प या म हो, प या म नहीं है तो यवरला ह में से कोई एक हो, यवरला ह नहीं है तो तीसरा दूसरा तीसरा और चौथा, यही है ना, तीसरा या चौथा में से कोई एक वर्ण हो, तो ये लगा के देख लो। और अगर ये नियम समझ में आ गया तो समझ जाओ कि संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। हम लोग देख लेंगे जैसे जो है विसर्ग के बाद आ है और इसके बाद क्या आ रहा है ध, तो ध जो है चतुर्थ वर्ण है, तो ध के इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पयो धरः, उसी के उसी समान जो है मना प्लस रतः। अब विसर्ग के पहले क्या है आ, विसर्ग के बाद क्या आ गया तो र है ना, तो इस र के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर होगा क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा मनो रतः। वैसे इसका नियम जो है वो थोड़ा भिन्न है, नियम इसका थोड़ा कठिन पड़ता है, तीन चार वर्णों का परिवर्तन करना पड़ता है तब जाकर ये विसर्ग संधि का नियम होता है, परंतु आपको समझाने के लिए आपकी संधि करने के लिए अभी ये नियम पर्याप्त है, अभी ये नियम आप लोग उलझ जाओगे कि किस वर्ण के स्थान पर क्या होता है, उसके स्थान पर ये, उसके स्थान पर ये, और फिर जाकर ओ होता है। परंतु हमको टेंथ में केवल इन संधियों को पहचान कर विकल्पों को राइट करना है, क्या करना है विकल्पों को कहीं नियम नहीं लिखना आपको, आगे बात समझ में। इसलिए ये जो है मेरे द्वारा बनाया गया नियम समझ लो कि इस प्रकार का नियम जो है मैंने बनाया है, ये कोई व्याकरण में इस प्रकार का नियम नहीं लिखा है, लेकिन हमें समझने के लिए कि जहां भी विसर्ग के पहले क्या हो आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, तो बोले या तो पामा हो पामा नहीं हो तो क्या हो, बोले यवरला ह में से कोई एक वर्ण हो, ये भी ना हो तो फिर चौथा या तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो वहां पर विसर्ग संधि होती है और उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है हो जाता है, जैसे पया प्लस धरा बराबर वयोधरा, मना प्लस रता बराबर मनोरता, और वया प्लस वृद्धा बराबर वया प्लस वृद्धा, वया प्लस वृद्धा बराबर वयोवृद्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा वयोवृद्धा। सही है बच्चों, नियम समझ में आ रहा है, जैसे पुरा प्लस हिता, पुरा प्लस हिता, अब देखो पुरा प्लस हिता विसर्ग के बाद क्या आ गया हा आ गया, ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा पुरोहिता, समझ में आया। पुरोहित में कौन सी संधि है, मनोरथ में कौन सी संधि है, वयोवृद्ध में कौन सी है, पयोधर में कौन सी संधि है, हाँ इक्कीसवीं पदे का संधि, जैसे नगा प्लस जलम नहीं नद्या प्लस जलम होगा, देखो तो क्या है नद्या है, नद्या प्लस जलम, नद्या प्लस जलम में देखो विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के बाद ज, ज आ रहा है तृतीय वर्ण, ठीक है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा तो ये दिया में ओ हो जाएगा नद्यो जलम, नद्यो। आगे बात समझे बच्चों, ये विसर्ग संधि का
पांचवा नियम है, कौन सा है? लिख लीजिए इसको।